लास्ट 7 डेज में स्ट्रेटेजी कैसे बनाई साइंस के लिए, साइंस में हम कैसे पढ़ें कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो, हमें 100 में से 100 मार्क्स मिल पाए। सो ले ये लीजिए, आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखना, स्किप करोगे तो इसमें आपका घाटा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है मेन चीज़, मैंने टॉपिक वाइज लिख लिया और मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे पहला चीज़ होता है आपका गैदर नोट्स, नोट्स को कलेक्ट करो, क्योंकि आपने पूरे साल भर अपने नोट्स बनाए होंगे, अपने कोचिंग ली होगी, स्कूल में गए होंगे। नोट्स क्या होता है, उसमें हम अपने चीज़ों को समझते हैं आसान लैंग्वेज में, और नोट्स पढ़ने से क्या होता है, हमें फटाफट चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होती है। तो जो भी आपके पास नोट्स है उसको फटाफट से पूरा पढ़ो, रिवाइज करो, अच्छे से रीड करो। और जो भी आपके पास बुक है, मैं ये नहीं करूँगा एंड टाइम में आके आप ये बुक परचेस कर लो, वो परचेस कर लो, बिल्कुल मत करना। आपके पास जो बुक भी है उसको 10 बार पढ़ो। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बुक को 10 बार पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर, इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेनी है। नंबर 2, NCERT आपका मेन होता है, मेन आपका चीज़ होता है, ठीक है। NCERT को आपको ढंग से रीड करना है, पूरा एक बार तो आपको NCERT ढंग से रीड करनी चाहिए। मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, NCERT के जो बॉक्स के अंदर कंटेंट होते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उनको सारे आंसर्स आपको आने चाहिए, और NCERT के जितने भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनवायरनमेंट, जो भी हो, अच्छे से पढ़ो साइंस के, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, सब ढंग से पढ़ो, सारे एक्सरसाइज लगा लो, इतना काम आपको बढ़िया से करना है। उसके बाद 3rd चीज़ क्या आती है, सेलेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, उन टॉपिक्स का एक नोट्स बनाओ कि इस चैप्टर में यही टॉपिक है जो कि हर साल पूछे जाते हैं, मुझे इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन टॉपिक्स पे चाहे छोटा प्रश्न पूछा जाए, चाहे बड़ा प्रश्न पूछा जाए, मैं करके ही आऊँगी, ये मुझसे नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो गारंटेड टॉपिक्स होते हैं, उन पे छोटे बड़े क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको भी उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन वाला, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करना, फिर कोरोजन, ठीक है, जंग लगना, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हर साल पूछे ही जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर चैप्टर में आपको बनाओ कि चैप्टर 2 एसिड बेस में ये टॉपिक है, इनको मेरे को पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो, ठीक है। ये टॉपिक जब बना लोगे आप, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे, तो मैं 3rd के बाद सीधा 5वां बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेना। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मैंने आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया ना, चैप्टर 1 पढ़ने के बाद आप उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लो, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन इतने साल में ये बार बार आ रखे हैं, यही आता है, तो मुझे ये पढ़ना ही चाहिए। और अगर आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये हो रहा है मेरे से, मैं कर लूँगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद 4 टिप्स क्या है, प्रैक्टिस डायग्राम की करनी है आपको, और उसके वर्क, कुछ ऐसे डायग्राम हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मैंने इनके एक वीडियो भी बना रखा है, उन डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो आप अच्छे से, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करो और उनकी क्या वर्क होते हैं वो भी अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं डायग्राम पर प्रॉब्लम। ये हो जाए। अगला टॉपिक जो आता है वो होता है रिविज़न। देखो, एक अच्छे स्टूडेंट का जो सबसे सक्सेसफुल मंत्र होता है ना, वो होता है उसका रिविज़न। आपने कितना अच्छा पढ़ा है साल भर वो तो बात की बात है, अगर एंड पे आकर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो सारी मेहनत एकदम पानी फिर जाता है। तो आपको कम से कम जो भी आपका कंटेंट आपके पास मौजूद है 5 बार रिवाइज करनी है आपको। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ये इम्पॉर्टेंट मंत्र है सक्सेसफुल स्टूडेंट का, टॉपर का। तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, और एंड पे आके एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर आपको करने ही करने हैं। कम से कम 2 सैम्पल पेपर आपको करने हैं, और वो तो सैम्पल पेपर ऐसे होने चाहिए जो आपने कभी देखा ना हो। ये नहीं कि जो पिछले साल में, मतलब पिछले महीने में जो आपने किया हो सैम्पल पेपर, उसी को दोबारा कर रहे हो। हाँ, वो रिवीजन में आ सकता है, लेकिन लास्ट के 2 डेज में या फिर
7 डेज के किसी भी 2 दिन में आपको 2 सैंपल पेपर आपको करने हैं। इससे क्या होगा कि आपको आपकी गलतियां क्या हो सकती है एग्जाम में वो पता लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा, और बिल्कुल सिंसियर होकर आपको देना है ये एग्जाम की तरह। 3 घंटे इसको देने हैं और देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, क्या टाइम मैनेजमेंट में क्या कमी हो रही है, उस चीज़ को देखो, और उसमें कोई कमी अगर आ रही है तो वो एग्जाम में वो कमी ना हो। ये तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी रही हमारी। अब लास्ट 7 डेज में कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 7 डेज में पढ़ने का तरीका यह है कि आपके पास आपको देखना है कि मेरे वीक पॉइंट क्या है, मेरे स्ट्रांग पॉइंट पे है। अगर आपकी स्ट्रांग है बायोलॉजी, स्ट्रांग है आपकी केमिस्ट्री, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग पॉइंट को 1 से 1.5 दिन दो, और वीक पॉइंट जो भी आपका अगर बायोलॉजी वीक है, आप क्या होता है बायोलॉजी वीक है केमिस्ट्री वीक है, तो उसको 2-3 दिन दे दो। 5 दिन में आपको सारा पढ़ना है, रिवाइज करना है, सब कुछ करना है, ठीक है, पूरा 5 दिन में चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक एक दिन में 3-3 चैप्टर पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, 3-3 चैप्टर पढ़ो। और 3 चैप्टर में क्या क्या होगा, एनसीईआरटी होगी, आपके नोट्स होंगे, ठीक है, उसके एक्सरसाइज होंगे, बॉक्स कंटेंट होंगे, उस चैप्टर के प्रीवियस के क्वेश्चंस होंगे, तीनों चैप्टर डेली 3-3 चैप्टर पढ़ो, ज़्यादा नहीं। और रात में सोने से पहले जो भी जितना पढ़ रहे हो एक बार रिवाइज मारो, रिवाइज कैसे पलट पलट के देखो, और जब भी आप सोचो मेमोराइज करो, यार मैं आज मैंने ये पढ़ा था रात, तो ये अगर ये क्वेश्चन आ रहा था ना तो ये टफ था, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, उसको आपको मेमोराइज करना है, सोते हुए चलते हुए फिरते हुए आपके मन में बस इन दिनों सिर्फ पढ़ाई की बातें चलनी चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड आपका मन भटकना नहीं चाहिए कि यार आईपीएल में ये होगा, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई की बातें क्लिक करनी चाहिए, और जो फालतू अट्रैक्शन है उनसे दूर रहो, पबजी हो गया, ये जितनी भी फालतू चीज़ें हैं इनसे दूर रहो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम बार बार नहीं होते, साल में एक ही बार होता है, 10th एंड 12th का ही रिजल्ट मैटर करता है, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, सो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। और लास्ट के 2 डेज़ में आप सैम्पल पेपर करना, ठीक है, रिवाइज करना, ठीक है, जितना भी आपने कंटेंट मिला है उसको रिवाइज करो, और जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं उन टॉपिक्स को और ज़्यादा टाइम दो लास्ट के 2 दिन में। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। डिस्क्रिप्शन पर जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वीडियो लिस्ट पे जाओ, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे मैथ्स के, साइंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।